दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग ग्लोय के बारे में बातें करने वाले हैं। ग्लोय के बारे में बहुत सारी जानकारी आपके साथ मैं शेयर करूंगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा किसी भी औषधि की कोरोना काल में चर्चा हो रही है तो वो है ग्लोय। तो आज मैं आपको ग्लोय के फायदे भी बताऊंगी, ग्लोय के नुकसान भी बताऊंगी। अगर ग्लोय आप सेवन करने जा रहे हो तो उससे पहले इस वीडियो को देख लेना, क्योंकि ग्लोय खाने का एक सही तरीका होता है। अगर ग्लोय का सेवन सही तरीके से नहीं किया जाएगा तो ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो पूरी जानकारी आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आज का वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है, इसलिए पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा वीडियो को, लेकिन शेयर करिएगा। और पहली बार चैनल पर आया तो आपको क्या करना है, नीचे जो रेड कलर का बटन है ना सब्सक्राइब का, उसे क्लिक कर दीजिए, बगल में लगी घंटी बजा दीजिए, घंटी के साथ आता है ऑल कपड़ों से भी क्लिक कर देना, ताकि आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं ग्लोय क्या है। दोस्तों ग्लोय एक औषधीय पौधा है। ग्लोय एक बेल होती है जो आसपास के नीम के, खासकर नीम के पेड़ पे ये चढ़ी हुई होती है ये बेल। इसमें बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं, इसमें एंटी इंफ्लामेटरी गुण होता है, एंटी ऑक्सीडेंट गुण होता है, एंटी बैक्टीरियल गुण होता है, जिसकी वजह से ये बहुत सारी बीमारियों में हमारी हेल्प करता है। ग्लोय का सबसे ज़्यादा सेवन किया जाता है बुखार के टाइम, जब आपको डेंगू, जो मच्छर से काटने वाले बुखार होते हैं, जैसे डेंगू है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है, उस टाइम ग्लोय का सेवन सबसे ज़्यादा किया जाता है है, क्योंकि इससे जो डेंगू के टाइम जो प्लेट्स कम हो जाते हैं वो कंट्रोल करने में हमारी हेल्प करता है। बहुत ही ज्यादा यूजफुल है ये औषधि डेंगू के मरीज के लिए। दोस्तों मैंने आपके साथ इससे पहले ग्लोय का काढ़ा भी शेयर किया था। ग्लोय का काढ़ा सर्दी खांसी जुकाम में बहुत अधिक फायदेमंद होती है, क्योंकि ग्लोय की जो तासीर होती है ना वो गर्म होती है। गर्म तासीर होने की वजह से आपको जो बुखार संबंधित रोग होते हैं उन्हें खत्म करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। दोस्तों ग्लोय में फॉस्फोरस, कॉपर, जिंक, पोटेशियम, कैल्शियम जैसे बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों ग्लोय सिर्फ बुखार में फायदा नहीं करता है, ये हमारे पाचन तंत्र को भी मजबूत करता है। जी हाँ, अगर आप पाचन तंत्र की बीमारी से जूझ रहे हो तो आपको ग्लोय का सेवन करना चाहिए। यहाँ तक कि ग्लोय जो है वो वजन कम करने में भी हमारी हेल्प करता है। इसके अलावा ग्लोय जो होता है डायबिटीज के मरीज के लिए बहुत अधिक फायदेमंद होता है। इससे क्या होता है कि जो ब्लड शुगर लेवल होता है वो कम हो जाता है। दोस्तों ग्लोय की सबसे ज्यादा चर्चा जिस विषय में हो रही है वो है हमारा इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होना, यानी हमारी इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता का बढ़ना। आजकल टीवी पे इसी वजह से ग्लोय काफी चर्चा में, क्योंकि कोरोना काफी ज्यादा फैल गया, इस समय हमारी इम्यूनिटी सिस्टम का मजबूत होना जरूरी है। तो ग्लोय इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने में हमारी मदद करता है, जिससे हम बहुत सारे वायरस एंड बैक्टीरिया से बच सकते हैं। तो ये है ग्लोय के कुछ ऐसे फायदे जो हमारे बॉडी के लिए बहुत अधिक फायदेमंद है। दोस्तों हर चीज का एक फायदा होता है तो एक नुकसान भी होता है। जी हाँ, मैं ये कह दूं कि ये औषधि है, क्योंकि इसे आयुर्वेद में अमृत बड़ी के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, ये अमृत के समान है, बहुत सारे रोगों में हमारी हेल्प करता है। और अगर आप इसका रोजाना सेवन करते हो ना तो आप हमेशा जवान भी दिख सकते हो। जी हाँ, ये आपके बुढ़ापे को आने से रोकता है अगर आप डेली ग्लोय का सेवन करते हो। बहुत ही प्यारा पौधा है और इसके जो पत्ते होते हैं वो दिल के आकार के होते हैं, जैसे पान के पत्ते होते हैं बिल्कुल वैसा ही पत्ता होता है। काफ़ी अच्छा पेड़ होता है ग्लोय का, देखने में भी काफ़ी खूबसूरत होता है। तो दोस्तों अगर किसी भी चीज़ के फायदे हैं तो किसी भी चीज़ के नुकसान भी होते हैं। कोई भी ऐसी दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जिसके सिर्फ फायदे फायदे हैं, नुकसान ना हो। तो ग्लोय का भी नुकसान है। दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया ग्लोय की तासीर जो होती है वो गर्म होती है। गर्म तासीर होने की वजह से गर्भवती औरतों को, यानी प्रेग्नेंट औरतों को ग्लोय का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों 5 साल के जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं 5 साल से कम के, उन्हें ग्लोय का नहीं देना चाहिए, उनको सेवन नहीं कराना चाहिए ग्लोय का, उनके लिए नुकसानदेह होता है। दोस्तों मैंने आपको बताया कि ग्लोय का सेवन करने से डायबिटीज़ जो है वो काफ़ी कम हो जाता है, तो डायबिटीज़ लेवल बहुत ज़्यादा गिर जाता है। तो अगर आपको कम डायबिटीज़ वाली प्रॉब्लम है, ठीक है, लो शुगर की प्रॉब्लम है, तो आपको ग्लोय का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा कुछ लोगों के लिए ग्लोय नुकसानदेह होती है, उनके पाचन तंत्र को नुकसानदेह कर सकती है, जैसे कब्ज या पेट में जलन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत है तो आपको जो ग्लोय है उसका सेवन नहीं करना चाहिए।
दोस्तों ये थे ग्लोई के कुछ फायदे और कुछ नुकसान जो आज के वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आई होप ये जो आज का वीडियो है आप लोग के लिए यूजफुल हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो को लेकर कोई भी सवाल है, ग्लोई को लेकर कोई भी सवाल है तो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं जरूर उसका रिप्लाई करूंगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर करेगा। एंड हाँ दोस्तों, पहली बार चैनल पर आए तो नीचे जो रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे जरूर क्लिक कर दीजिएगा और बगल में लगी घंटी बजा दीजिएगा। घंटी के साथ साथ ऑल कपड़ों से भी क्लिक कर देना ताकि आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसी तरह की यूजफुल वीडियो आप लोग के साथ शेयर करते रहती हूँ। दोस्तों अगर आपके पास कोई भी टॉपिक है और आप चाहते हैं कि मैं उस पर आप लोग के साथ वीडियो शेयर करूँ, उस पर आपके साथ जानकारी शेयर करूँ, तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। मैं जल्द से जल्द उस टॉपिक पर वीडियो बनाकर आप लोग के साथ जरूर शेयर करूंगी। दोस्तों फिलहाल मुझे इस वीडियो में आज्ञा दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। घर पर रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।